आईफोन बैन, ट्विटर प्रैंक, व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, बात करेंगे इस टेक वीडियो में ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट की। मैं हूँ हरिंदर बढ़िया, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा इस बात की पूरी गारंटी है, तो जरा जोर से दबा दीजिएगा लाइक बटन और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो नजर डालते हैं आज की टेक्निकल न्यूज पे। पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सोनी की तरफ से। भैया सोनी ने ये कहा है कि उन्होंने अपने 4.2 मिलियन यूनिट जो है वो वर्ल्ड के अंदर बेची है वीआर प्लेस्टेशन की। जी हाँ, वीआर प्लेस्टेशन, जैसे वीआर बॉक्स आपने देखा ऐसे वीआर प्लेस्टेशन होता है जिसको पहनने के बाद आप पहुंच जाते हैं गेम में, और यदि देखते हैं ऐसा कुछ पबजी के लिए भी कोई वीआर जो है प्लेस्टेशन आ पाता है क्या, आप पबजी वीआर प्लेस्टेशन पहन के और आप पहुंच जाएंगे पबजी के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने भी एक पावर बैंक लॉन्च किया है जो बहुत ही जल्दी चार्ज होगा और आपके मोबाइल को भी जो है बहुत ही जल्दी चार्ज करेगा, सुपर चार्ज करेगा ये, और इसकी जो है 12,000 mAh का ये पावर बैंक है, काफ़ी अच्छा है, ऐसे प्रोडक्ट लेके आते रहते हैं। अगला अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट निकल के आता है लिनोवा की तरफ से। लिनोवा के J6 Pro मोबाइल को लेके एक जो है टीज किया है जिसके अंदर कहा गया है कि इसके अंदर 100 MP का कैमरा होगा और भैया ये सपोर्ट करेगा हाइपर वीडियो जो है वो ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो भैया क्या विचार है, क्या रूमर है, क्या सच है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लिनोवा Z5 के बारे में भी काफ़ी सारे रूमर आए थे और फिर फ़ोन सामने निकला, काफ़ी अच्छा फ़ोन है लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है। यदि ऐसे फ़ोन लिनोवा इंडिया के अंदर लॉन्च करता तो हो सकता है लिनोवा का कुछ बेनिफिट हो सकता। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है गूगल की तरफ से। भैया गूगल जो है एक रोबोटिक लैब जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उनको सिखाई जा रही है भैया रोबोट जो है वो कुछ ऐसे काम सीख पाएगा जैसे कढ़ाई को गोल गोल घुमाना, खाना पकाना वगैरह, तो देखते हैं क्या फ्यूचर होता है। भैया बड़े ही कमाल का ये जो है गूगल काम कर रहा है, यहाँ पे मशीन है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, और देखते हैं भैया रोबोट तो है ही है। अगले अपडेट की बात करें, अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है एक ऐसे एयरक्राफ्ट को लेके जो भैया इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगा, एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को लेके जो जल्दी ही टेक ऑफ करेगा। जैसे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है हम आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि एप्पल जो है वो बैन हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है। अगले अपडेट की बात करें, अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया ब्यूटी मोड को लेके, एआर फिल्टर को लेके जो है सेल्फी सभी खींचते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मुंह बना के ऐसे मुंह बना के सेल्फी खींचते हैं, तो इसके लिए अंदर फिल्टर जो है ब्यूटी मोड है उसका ऑन करते हैं। तो भैया ब्रिटिश के जो सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन जो हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं, उन्हों का कहना है कि भैया फिल्टर के जो लास्ट में आपको नीचे एक वाटरमार्क आना चाहिए जिसके अंदर लिखा है कि ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ऐसा सामने आया कि औरतें जो हैं वो पहुँच जाती हैं भैया फ़ोटो खींचने के बाद प्लास्टिक सर्जन के पास कि भैया हमारी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए कि हम इस ब्यूटी मोड जैसी दिखें। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है ट्विटर प्रैंक को लेकर। भैया ट्विटर के ऊपर चल रहा है प्रैंक, यदि आपका भी ट्विटर अकाउंट है तो इस न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा कि भैया ट्विटर के ऊपर आपको बोला जाता है कि आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए कोई भी 2007 में, और फिर कुछ अजीब सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जैसे कुछ जादू हो गया, लेकिन सच में ये है कि यदि आप 2007 कि डेट ऑफ बर्थ कोई भी चूज कर लेते हैं ट्विटर पे तो आपका ट्विटर अकाउंट हो जाता है सस्पेंड, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के जो है वो ट्विटर अलाउ नहीं करता यूजर, ये एज लिमिट है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सैमसंग के एग्नोस प्रोसेसर को लेके। तो भैया सैमसंग काम कर रहा है एग्नोस प्रोसेसर पे और नया प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है 9010 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, देखते हैं किन फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली मेरे को लगता है कि हमें सैमसंग गलेक्सी ए सीरीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट जो है भैया बड़े ही कमाल की गुड न्यूज़ है, एक हर इंडियन के लिए गर्व की बात है। भैया मिशन शक्ति जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है और इसके अंदर इंडिया ने भैया एक जो है ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है जिसका सफलतापूर्ण टेस्ट किया है और इसने अपनी खुद की ही एक सैटेलाइट को गिरा के भी इसके अंदर देखा है। तो भैया परीक्षण पूर्णतया जो है वो सफल हो चुका है, तो ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है और आप लाइक करते हैं उससे तो अगले वीडियो बनाने के लिए इतनी एनर्जी आ जाती है, क्या बताऊँ मैं आपको।
अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट ये है कि सैमसंग ने लॉन्च किए हैं अपनी कुछ साउंड बार जिसके अंदर हमें अडेप्टिव साउंड सिस्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है फायरफॉक्स की तरफ से। फायरफॉक्स ने एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिससे आप अपने जो है पासवर्ड जो है वो मैनेज कर पाएंगे। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है, लास्ट अपडेट है ये, जी हाँ, आईफोन बैन के बारे में। आईफोन जो है उसे सामना करना पड़ सकता है बैन का, जिसके अंदर आईफोन 7 से लेके आईफोन 10X तक सभी फ़ोन जो है वो बैन होंगे US के अंदर। अभी तक कुछ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जी हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वालकॉम ने जो है इसके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो जो है क्वालकॉम के पेटेंट को आईफोन यूज कर रहा था। तो भैया कैसी लगी आपको टेक न्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे दिए गए लाल बटन को, और पास ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, आज हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि भैया आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए, और फोल्डिंग फ़ोन के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।